यमी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए हमारी आगे आने वाली सभी रेसिपीज़ की जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यमी फूड किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाएंगे वेजिटेबल इडली। वेजिटेबल इडली बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है, तो आइए हम वेजिटेबल इडली बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें सूजी डालेंगे। नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। पहले हम दही डालकर इसको मिक्स करेंगे और फिर बाद में पानी की सहायता से हम इसका बैटर बनाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसका स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। हमारा ये बैटर बन चुका है, इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद हमारी सूजी फूल चुकी है। अब हम इसे चेक करेंगे। हमारा बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा है, हम थोड़ा पानी और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स डालेंगे। पहले हम गाजर डालेंगे, टमाटर डालेंगे, वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं, प्याज डालेंगे, आप मटर, शिमला मिर्च कुछ भी ले सकते हैं, हरी मिर्ची डालेंगे और धनिया डालेंगे। धनिया को हमने बहुत बारीक नहीं काटना है, इसको हमें रफली चॉप करना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इडली के लिए हमारा ये बैटर बन चुका है। अब हम इसमें फ्रूट सॉल्ट डालेंगे। फ्रूट सॉल्ट हम सबसे लास्ट में डालेंगे। इसमें हम कुछ बूंदे पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी डालने से हमारा फूड सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब हम अपने इडली मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। हमने इडली कुकर को पहले से गैस पर रख रखा है और उसमें पानी डालकर गर्म कर लिया। अब हम इसमें अपने इडली मोल्ड डालेंगे। हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। दस से 15 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इन इडलियों को हम मोल्ड से निकाल लेंगे। हमारी ये वेजिटेबल इडली बनकर तैयार है। आप हमारी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।